मुझे लगता है जरा सा मैं कुछ और जानकारियां यहां पर दे देती हूं। अच्छा, क्योंकि 22 जनवरी का हमने जिक्र किया और वो दिन ऐसा था कि वो इतिहास में दर्ज हो गया, सुनहरे अक्षरों के साथ दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी। और ऐसे में बात अब जरा अयोध्या की ही कर लेते हैं, और ऐसे में अयोध्या को लेकर इस बजट में क्या कुछ खास रह सकता है ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और क्या कुछ हो सकता है इस बजट में, अयोध्या और बजट का क्या कनेक्शन निकल कर आ सकता है, ये अब मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से सिलसिलेवार तरीके से अयोध्या देश में धार्मिक पर्यटन का एक नया केंद्र बनकर उभर सकता है। जी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभर सकती है देश के नक्शे पर, और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। राम मंदिर बनने से यूपी के आर्थिक विकास में तो जाहिर सी बात है तेजी का अनुमान लग ही रहा है, और इससे यूपी का आर्थिक विकास तेज होगा तो जाहिर सी बात है देश की अर्थव्यवस्था के चक्के में भी उसकी रफ्तार का असर देखने के लिए मिलेगा। अयोध्या में हर साल 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सिर्फ पहले 5 दिन में ही आंकड़ा आपके सामने है किस तरीके से 13.5 लाख के करीब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो भी तब जबकि शुरुआती कुछ दिनों में तो बाकायदा जो बसेस वगैरह हैं उन पर रोक लगा दी गई थी, अयोध्या वो नहीं जाएंगी, इतना ज्यादा भीड़ थी उस इलाके में। और क्या सरकार अयोध्या के लिए बजट में बड़ा ऐलान करेगी, इसका भी लगातार इंतजार बना हुआ है। अयोध्या को लेकर बड़ा ऐलान, आपको लग रहा है अरुण जी ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और अयोध्या के लिए अब आप कनेक्टिविटी देखिए इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा ट्रेनें की डिमांड आ चुकी है कि अयोध्या का एक और स्टेशन बनने का पूरा जस्टिफिकेशन दिखता है। और अयोध्या के लिए मतलब एक अयोध्या नगरी और दो दो स्टेशन, एयरपोर्ट वहाँ पर पहले ही है और शानदार, एयरपोर्ट से कम सहूलियत वाला स्टेशन नहीं है। अयोध्या में अभी 3 स्टेशन है जो फीट करते हैं ऑलरेडी, लेकिन इनको बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हर स्टेशन से गाड़ी ओरिजिनेट नहीं हो पाती, फास्ट जरूर हो जाती है। तो ये अयोध्या को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सब तरफ से, ऊपर से चले आप कश्मीर से या असम से या कन्याकुमारी से, क्योंकि पर्यटक तो सब तरफ से आएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में आप देखिए बस करीब करीब आधे घंटे से भी कम का इंतजार बाकी है, 11 बजने वाले हैं जब देश की वित्त मंत्री लोकसभा से वो भाषण बजट वाला पढ़ना शुरू करेंगी। मुझे लगता है एक एक क्विक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करने वाली हूँ। आज का बजट, आपकी चाहत क्या है सर? मेरा मानना है कि इंश्योरेंस जो होती है हेल्थ केयर इंश्योरेंस, उस पर GST कम कर देना चाहिए सरकार को, ताकि अभी कितना है, अभी 18% है, तो मेरे ख्याल से उसको कम कर दिया जाए तो काफी बेनिफिट रहेगा। बहुत बढ़िया, हेल्थ केयर इंश्योरेंस पर GST जो अभी 18% है वो कम हो, आपकी खटाना साहब? मांग तो हमारी तो बहुत दिन से चल रही है, MSP की मांग है, उसकी गारंटी कर दो, दुगनी करी नहीं उसकी कर दो, कोई एक आदर्श गांव बनवा दो, जो सांसद गोद लिए घूम रहे वो उतारा है गोद से नहीं उतरे, कहीं तो कुछ करवा दो। सर लिस्ट पे रोक लगाइए ना, ब्रेक लगाइए सर, एक बात बताइए ना जो आपकी दिली चाहत। आप राम पे बोल रहे हो, राम तो हमारा था, हमारे साथ रहे, हम ना अयोध्या जानते ना कहीं जानते, हम तो अपने अपने साथ रखे हैं राम को, हमारे तो गाँव में हमारे शिवालय में हमारा राम है, हम राजनीति के राम। अयोध्या नहीं जा रहे आप, ये कह रहे हो श्री राम जानते हैं, जय सिया राम को जानते हैं, जय श्री राम को नहीं जानते, जिन्होंने सिया को ही छोड़ दिया हो वो कहेगा वो देश को क्या करेंगे। सर सर जरा संयम के साथ सर, क्योंकि आस्था का मामला है, यहाँ पर भावनाएं भी आहत हो जाती हैं, तो मैं तो सर बस आगाह कर रही हूँ, और आपका ये अपना नजरिया है सर, ठीक है सर, ठीक है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है सर, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। रोहन जी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? टैक्स रेजिम में GST में सिंप्लीफिकेशन चाहूंगा बिजनेस के लिए, और जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग स्लैब्स हैं, फाइबर पे 18% है, यान पे 12% है और फैब्रिक पे 5% है, तो एक उस पे एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो GST में, ताकि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप कह रहे हैं कि अलग अलग उसके ऊपर जो फॉर्म्स हैं उसमें टैक्स स्लैब्स अलग हैं, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, आपकी उम्मीद? मैडम मैं ये चाहूंगा कि लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम, चाहे वो रिडक्शन ऑफ टैक्सेस हो, चाहे वो किसानों को, मजदूरों को, अनऑर्गेनाइज मजदूरों को सरप्लस उनके हाथ में एडिशनल दिया जाए, ये किया जाए, ताकि सरकार के टैक्सेस में भी बोयंसी आती है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता है। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, आपने अयोध्या की बात की थी, 5 करोड़ टूरिस्ट साल में आने की संभावना है, बताया ना सर अभी हमने, 5 करोड़ टूरिस्ट आएंगे साल के अंदर, पहले 5 दिन में 13.5 लाख आ गए। आप जो बात कह रहे हैं जेब में पैसा आएगा तो फिर कहीं ना कहीं खपत पड़ेगी तो अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा। जल्दी से छोटे में संक्षेप में क्या उम्मीद है? एक चाहिए हमको दिल्ली से अयोध्या की बुलेट ट्रेन, दिल्ली अयोध्या बुलेट ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन मतलब दिल्ली और अयोध्या के बीच ही चले तभी बात बने, पहले बम्बई अहमदाबाद है, दूसरी दिल्ली वाया लखनऊ टू अयोध्या, अयोध्या का दूसरा नंबर आ गया, पहली अहमदाबाद और मुंबई, ये बहुत सही है सर, ये शानदार था।
आम आदमी मोदी की गारंटी से बहुत प्रभावित है। मैं बजट से आशा करता हूं कि इसमें महंगाई में कंट्रोल हो, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटाइजेशन और एआई जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें भारत को ये एक विकसित देश की यात्रा में बजट पूरा योगदान। क्या बात है सर। केडिया सर, देखिए इनकम टैक्स में छूट निश्चित रूप से चेंज की जाए मिलेगी इसमें, और बजट बहुत अच्छा बजट रहने वाला है और आम आदमी के पॉकेट में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने वाली है। क्या बात है सर, सबसे अच्छी मुझे आप ही की बातें लग रही हैं सुनने में। भाटी साहब, रोमाना जी, हमें मोदी जी गारंटी पे कोई विश्वास नहीं है। जब हमने 13 महीने का आंदोलन खत्म किया था, नहीं कर रहे कुछ इस बजट। एक मिनट सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि जैसे ही आंदोलन खत्म होगा किसान की आय दुगनी हो जाएगी, और पिछले बजट में मैं आपके साथ था जब भी आपने कहा था और सरकार ने भी बोला था कि बजट किसान की आय दुगनी होने वाली है। एक साल तो इस बात को होगी, सरकार को होगी 10 साल, हमें कहीं कोई उम्मीद नहीं है, और ये बजट सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए। ठीक है, प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी के नेता। रोमाना जी, जुमले का नाम गारंटी अगर रख दिया जाए तो गारंटी नहीं होती है। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे घूमेगा, और आज अगर आप ट्रेन में जाते हैं वंदे भारत में, हवाई जहाज का किराया देके जाते हैं, ऐसी गारंटी मुबारक हो मोदी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।